मास्क इज द न्यू नॉर्मल। हेलो एवरीवन, एंड मैं हूं प्रीतेश मिश्रा, आप सभी का स्वागत करता हूं हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4, जहां एंटरटेनमेंट होगा मोर। ब्रॉट टू यू बाय यूनिकॉर्न प्रोडक्शंस एंड वायरल स्वैग टीवी। मीडिया पार्टनर सयाजी FM, फैशन पार्टनर बॉस कलेक्शन, फूड पार्टनर पंड्यास किचन। सो गाइस, हम इस जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं। सो आपने कंटेस्टेंट्स को तब देख ही चुके हैं, बट अब बात आएगी कंटेस्टेंट्स को और कैप्टन्स को आमने सामने रखने की, बिकॉज द वॉर इज अबाउट टू बिगिन। सो स्टार्ट कर सकते हैं, तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट मीट। तो अक्षर, पहली बात तो कैसा लग रहा है वापस हाउस ऑफ रियलिटी के सेट पे आके? जब मुझे पता चला था सीज़न 3 में एज अ कैप्टन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं होप कर रहा था कि अगर सीज़न 4 में मुझे चांस मिले एज अ कैप्टन, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। और इंडीड आपने जो सोचा वो हो गया है, एंड बींग एसोसिएटेड विथ हाउस ऑफ रियलिटी एक कंटेस्टेंट के तौर पे भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बट नाउ आपने वो जर्नी एज अ कंटेस्टेंट भी जी है और अब आप इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं एज अ कैप्टन। तो जस्ट मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अगर आपको बताना है कि आप जर्नी में जीत हार तो अपने हाथ में नहीं होता है, तो अगर मैं आपको पूछना चाहूँ कि आपका गोल क्या है इस जर्नी की एंड तक, वो क्या होगा? जैसे कि आप खुश होना चाहते हैं, आप जिन लोग चाहते हैं उनको बहुत अच्छे से मिलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपका एक गोल क्या है आपकी टीम के लिए? मेरा सिर्फ एक ही गोल है, जैसे कि मैंने पहले से ही बताया कि जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है मैं चाहूँगा वही विनर है, भले मेरे टीम में कोई भी हो, वो लड़की हो या कोई अच्छा कंटेस्टेंट हो, पर मैं वही चाहूँगा जो अच्छा परफॉर्मेंस दे वही जीते। ओके, सो ऑन दैट नोट, हमने हाथ मिलाने से पहले सैनिटाइज कर लिया, सो क्योंकि यही जो लोग यहाँ पे हैं ये लोग 2 दिन से यहीं पे है, तो हम लोग बाया बबल में है। तो गाइस, मिलेंगे हम अक्षर बारोट सर उनकी टीम से एपिसोड में हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4, जहाँ एंटरटेनमेंट होगा मोर। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो ये तो वो हमारे एक कैप्टन, शो कभी भी एक कैप्टन से नहीं बनता है, कोई भी मैच 2 टीमों से होता है, तो हम बुलाना चाहेंगे दूसरे कैप्टन जिनका भी नाम अक्षर ही है और जो भी हाउस ऑफ रियलिटी 2 में थे, लेकिन उनका सफ़र हाउस ऑफ रियलिटी का बहुत ही अमेजिंग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोरी लिखी हो। सीज़न 1 में वो पार्टिसिपेंट थे बट ही कुड नॉट मेक इट थ्रू, सीज़न 2 में पार्टिसिपेंट हुए, ट्रॉफी तक पहुँच के थोड़े क्लियर रह गए, नथिंग टू वरी, बट सीज़न 3 में वो मेरी टीम के मेंटोर थे और सीज़न 4 में ही इज़ गेटिंग हिज ओन टीम टू लीड। सो आप भी जानना चाहेंगे कि ये पर्सन कौन है, बहुत सारे लोगों ने नाम गेस कर लिया होगा, तो ब्रेकिंग ऑल द बैरियर्स, लेट्स वेलकम अक्षर पंचोली। तो अक्षर, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि रिजेक्शंस आर नॉट योर फेलियर्स, दोज हु आर रिजेक्टेड आर ब्लेस्ड विद अ सेकेंड चांस टू मेक द बेटर वर्जन ऑफ themselves, एंड हियर आई एम अ लाइफ एग्जाम्पल। अपने घर के बाद दूसरी जगह जहाँ पे रेगुलरली दिखते हैं वो हाउस ऑफ रियलिटी है, 4 साल से दिखे ही जा रहे हैं, एंड द थिंग इज के ही इज़ ऑल्सो मोर डेडिकेटेड। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा अक्षर, कि जब आपको पता चला कि आप इस बार लीड करने वाले, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ऑडिशन क्लियर किया, उसके बाद आपको जब कॉल आया कन्फर्मेशन था कि नाउ यू वुड बी लीडिंग द टीम, उस टाइम पर सबसे पहला थॉट क्या था आपके दिमाग में? सबसे पहला थॉट यही था कि मुझे पता है कि आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछोगे कि आपका गोल क्या है, राइट? तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे टीम में जो भी कंटेस्टेंट्स है, एट द एंड ऑफ द डे उनको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं अक्षर पंचोली की टीम में क्यों आया, दैट इज़ माई गोल। ओके, सो ही इज़ हाई ऑन हिज स्टैंडर्ड, सो ऑल द बेस्ट, एंड आई विश कि जो भी तुम्हारा गोल है सीजन का वो पूरा करो, अचीव करो, एंड यू हैव अ ग्रेट सीजन अहेड। सो गाइस, हाउस ऑफ रियलिटी के आप सीज़न 4 के दोनों कैप्टन से आप मिल चुके हैं, दोनों की बातें क्वाइट सिमिलर, एक ही जैसी लग रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस जर्नी के एंड में 17th एपिसोड के एंडिंग में इन दोनों में से कोई एक होगा जो विनिंग कैप्टन का टाइटल जीतेगा और वो बनेगा हाउस ऑफ रियलिटी सीज़न 4 का विनिंग कैप्टन।
तो इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और बने रहिए हमारे साथ वायरल स्वैग टीवी पे। डेली आपको कोई ना कोई अपडेट्स मिलेंगे, एपिसोड्स तो एवरी सैटरडे आएंगे ही, लेकिन इस सीज़न हम आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट लाएंगे एंड दैट वुड बी ओनली एक्सक्लूसिव फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ प्रीतेश मिश्रा, आपका होस्ट और दोस्त। बहुत जल्द मिलूंगा विद हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4, जहाँ एंटरटेनमेंट होगा मोर। सो आपने तो मिल लिया हमारे कैप्टन से, बट कोई भी टीम तब नहीं जीतती जब उसका कैप्टन अच्छा हो। वो टीम तब जीतती है जब उसके प्लेयर्स अच्छे हो। तो इसी बात पे हम मिलते हैं सभी कंटेस्टेंट से और जानना चाहेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो सब शो तो देख के आई है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनका क्या पर्सपेक्टिव होगा इस शो के तरफ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कॉल नील। सो हेलो नील, पहले तो बताना चाहेंगे कि आपका जो वीडियो था उस पर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट था, तो आपने ऐसा तो क्या किया कि इतने सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे? सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही सबको शेयर किया था कि सपोर्ट करो, बस ऐसे ही सब फ्रेंड्स में, सोसाइटी वगैरह में सबको, बस ऐसे ही था सर। और आप अक्षर की टीम में? यस। अक्षर कौन से, पंचोली या बारोट? ओके, अक्षर बारोट की टीम में। बिकॉज ये कन्फ्यूजन तो रहेगा, तो शुरू से ही हमें चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। तो आपने हाउस ऑफ रियलिटी के प्रीवियस कुछ एपिसोड्स देखे कोई भी? सीजन 3 मैंने फॉलो किया हुआ है। ओके। और सीजन 2 थोड़ा बहुत देखा हुआ है। ओके, तो मतलब आपने आपके कैप्टन की जर्नी तो देखी होगी। हाँ ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछना चाहूँ कि आपने जैसे कहा था आपकी वीडियो में कि आप बहुत लॉयल हैं, तो आप जब आपको पता चले कि अगर आपकी टीम हार रही है और आपने बेस्ट परफॉर्म किया है बट फिर भी आपको सेव नहीं किया जाता, किसी और को सेव किया जाता है, तो आप उस टाइम पे लॉयल रहेंगे कि आप उस टाइम पे ये देखेंगे कि मेरा फ़ायदा कहाँ पे? नहीं, मैं लॉयल रहूँगा और अपने कैप्टन जो डिसीजन लेंगे उस पर पूरा मक्कम रहूँगा। तो देट मीन्स वी कैन से दैट आप यहाँ पे कैप्टन को जिताना है ना कि आप जीतना है? नहीं, वैसे तो मैं खुद भी जीतने आया हूँ, जैसे कि हम हर बार बोलते हैं एक से भले दो, तो वैसे ही गेम के साथ दिल भी जीतने आया हूँ। और बस यही बात है कि जीतूँगा बट टीम के लिए खेलूँगा और सोचूंगा कि कहाँ सबका फ़ायदा हो रहा है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, दो ऑप्शन है आपके पास, एक जीत पर अपने टीम को धोखा देके और दूसरा आउट ऑफ द शो अपनी टीम से लॉयल रहके। आउट ऑफ द शो टीम से लॉयल। ओके, सो हमने बहुत बार देखा है कि लोग अपने आप को जिताने के लिए गेम के 19-20 कर देते हैं, लेकिन वी हैव अ टीम मैन हियर एंड वी जस्ट वॉन्ट टू विश दैट आपका जो ओपिनियन है आप उसी के साथ आगे बढ़े। एंड अक्षर बारोट रियली गॉट अ ग्रेट प्लेयर, सो ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी इन द जॉब। थैंक यू। सो जिस हिसाब से आपने देखा कि आज के टाइम पे जो सेल्फिश मीन है वो बहुत बढ़ रहा है, बट स्टिल वी हैव अ पर्सन जो अपने शो की जर्नी को एंड करने को तैयार है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज लॉयल्टी, सो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है ना? सो लेट्स कॉल समवन एल्स फ्रॉम अनदर टीम। सो लेट्स कॉल शहबाज फ्रॉम अक्षर पंचोली टीम। हाय सर। हेलो शहबाज। बस बढ़िया, आप तो अरकान के दोस्त हैं राइट? yes, आपको पता हुआ कि अरकान वॉज दी बेस्ट परफॉर्मर ऑफ हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 3। तो आप क्या चाहते हैं कि आप ऐसी जर्नी जिए कि आप शो जीत के जाए? सर मैं तो चाहता हूँ कि मैं अरकान की जैसी जर्नी करके जाए कि आप शो ना जीत पाए। सर जीतना नहीं जीतना वो डिपेंड नहीं करता, एक्सपीरियंस लेना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो आप जैसे कि आपकी पूरी टीम के प्लेयर्स हैं, तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप रिस्पेक्ट के तरफ जाएंगे या अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे? रिस्पेक्ट की तरफ। भले आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, अगर आपको पहले टेस्ट में ऑप्शन मैं देता हूँ कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द फिनाले बट आप अपनी टीम के सभी प्लेयर्स को बीट रे करें, तो क्या आप करेंगे? अब यू वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली इन द फिनाले, आपको कोई टास्क नहीं करना है? नहीं। आप सोचेंगे भी नहीं? नहीं। मैन, वी आर लिविंग इन द 21st century एंड ऐसे लोग हैं, देन दिस आर द रेयरेस्ट मीन्स ऑफ पीपल वी हैव। बट स्टिल ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी, और मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जैसे जर्नी में आगे बढ़े तो आप सीखें, बिकॉज द थिंग इज कि हमारे पास एक जो माइंड सेट होता है हमको उसे टाइम के साथ चेंज करना होता है। एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 2-0 दोनों प्लेयर्स जो भी है, दोनों टीम के एक एक है और दोनों ही प्लेयर ऐसे हैं जो टीम के लिए खेल रहे हैं। यू डोंट हैव एनीवन जो जीतना आया है, सब टीम को खेलने आया है। एंड आई जस्ट होप दैट 2-0 का 2-1 हो एंड वी हैव अ पर्सन जो शो जीतने आया हो, बिकॉज जीतना भी उतना ज़रूरी है जितना इज्जत ज़रूरी है, बिकॉज इज्जत से आप जीत सकते हो पर आप जीत के भी इज्जत तो कमा सकते हो।
गेट बैक ऑन दिस। सो मैं बुलाना चाहूँगा अब फ्रॉम द टीम ऑफ अक्षर बारोट, द सीनियर बारोट, गौरांग बारोट। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रो सर। हेलो गौरांग, हाय, कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास, जर्नी अच्छी है। मतलब अभी तक जो हाउस ऑफ रियलिटी मैंने देखा है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये नई सीजन को लेकर। अक्षर बारोट के साथ आपके घर में टर्म्स कैसे? जैसे ही दो भाइयों के होते हैं, लड़ना झगड़ना एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं है। कभी देर से आता है तो कॉल करके केयर भी कर लेता हूँ कि कहाँ है कैसा है, तो पूरा ट्रैक भी करता हूँ मैं। पर आज आपको बहुत अलग फीलिंग हो रही है, अलग फील हो रहा है कि आपका भाई इस शो में रह चुका है। हाँ। एक बेस्ट परफॉर्मर बन चुका है, शो के साथ एसोसिएटेड है और इस बार इज लीडिंग अ टीम। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उसको मैं एक पॉजिटिव चीज लेना चाहूंगा क्योंकि ही हैज ऑल एक्सपीरियंस ऑफ सीजन टू, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे नहीं मतलब पूरे टीममेट्स के साथ वो शेयर करेगा, जो हमारे लिए आगे जाके वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे जीतने आएंगे? हाँ, डेफिनेटली जीतना। अगर आपको जीतने के लिए आपके भाई को धोखा देना होता? नहीं, तो मैं नहीं दे सकता। OMG, डेफिनेटली। आपका ग्रुप वीडियो कॉल था, ग्रुप वॉइस कॉल था आने से पहले यहाँ पे, की पूरी टीम को बताया था कि भाई बोलने तो तुमको ऐसा ही है? इसमें ऐसा है कि आपको तो वॉइस कॉल की जरूरत है, आपको बाजू वाले रूम में है भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखो मेरा परसेप्शन ये है कि अगर आप जीत भी लो बट आप मतलब कुछ धोखे से भी जीत लो तो वो जीत कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मैं धोखा नहीं देना चाहूँगा, डेफिनेटली नॉट। एंड वी हैव ऑल लर्नड दैट परसेप्शन टाइम के साथ बदलता है। अगर आप इस गेम में आगे बढ़ते हैं आपको पता चलता है कि धोखा देके नहीं पर थोड़ा स्मार्ट प्ले करके आप तो जीत सकते हैं। आपको गेम खेलना चाहिए? हाँ डेफिनेटली। उसके लिए शायद आपको कुछ ट्रिक्स खेलने पड़े जिससे आपकी टीम के लिए आपको अंडर परफॉर्म भी करना पड़ सकता है। टिप्स एंड ट्रैक वो मैं खेलना चाहूंगा पर धोखा देके डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अंडर प्रेशर मैं निकल सकता हूँ पर धोखा देके डेफिनेटली। ओके, तो ये 21st सेंचुरी की गेम है, इसके अंदर हम अप फ्रंट बोलेंगे कि हम धोखा नहीं करेंगे, पर जिस दिन मौका मिलेगा वी विल प्ले द टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके देन, ऑल द बेस्ट। हम देखेंगे सीनियर बारोट इन द टीम ऑफ जूनियर बारोट। थैंक यू सो मच गाइस। द स्कोर इज स्टिल 3-0। ये स्कोर हमको मैच में भी अच्छा नहीं लगता है जब एक ही टीम तीन बार गोल कर चुकी है। वी वांट समवन जो इसके साथ कम्पीट तो करे, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक वीडियोस देखे उनको पता चल गया होगा कि यार आज के टाइम में अच्छे लोगों की जो दिल सच हो उसकी बहुत कमी है, और जो कंटेस्टेंट्स हमारे पास वी आर ग्लैड टू हैव देम। सो नाउ वी वुड बी कॉलिंग सिद्धार्थ भट्ट फ्रॉम द टीम ऑफ अक्षर पंचोली। सो हेलो ब्रदर, बस बढ़िया। सो सिद्धार्थ, कैसा लग रहा है मेरे शो में आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत सारी बातें सुनी थी और फिर मैंने देखी भी, तो आज लाइक आई एम फीलिंग अमेजिंग कि मैं इस शो का पार्ट हूँ। ओके, तो सिद्धार्थ पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो वर्चुअल ऑडिशन दिया था उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वर्चुअल ऑडिशन में ऐसा था कि मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत ही अच्छा जाएगा, बट स्टिल मैंने मेरा बेस्ट तो नहीं दिया है बट स्टिल आई ट्राइड माई 90% और इस शो में मैं आगे भी मेरा 100% देने की ट्राई करूँगा। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आपके लिए दोनों कैप्टन से मुझे डबा था और पहली बार आप दोनों कैप्टन से मिले थे, तो ऐसा तो आपको उस जितना भी मिनट का कॉन्वर्सेशन था उसके अंदर ऐसा तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया दैट यू चोज टू गो इन अक्षर पंचोली टीम नॉट अक्षर बारोट? अक्षर बारोट ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था दैट आई एम एंटरटेनर एंड आई एम ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, तो मैं अपने आप को एज अ कम्पिटिटर देखना चाहूँगा, इसलिए मैंने अक्षर पंचोली की टीम को चूज़ किया। वेल, हमने ये देखा है कि कंटेस्टेंट से कम्पीट करते हैं बट वी हैव समवन जिसका कॉम्पिटिशन कैप्टन ही है एंड टेकिंग ऑन द फेयर मीन्स द थिंग इज कि आप जितना एम हाई करोगे यू वुड गेट द रिजल्ट। सो अक्षर बारोट वुड ऑल्सो अप्रिशिएट द थिंग कोई कंटेस्टेंट है जो उनके एंटरटेनिंग कैपेसिटी को चैलेंज करना चाहता है, बिकॉज अक्षर बारोट ने भी अपने एंटरटेनमेंट टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड सीजन 3 में भी ही वॉज द जज फॉर दैट, सो वी हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर दैट। और एक सवाल जो मैंने मेरे सभी कंटेस्टेंट को पूछा, द थिंग इज दैट विल यू प्रिफर टू विन, आपका मोटो क्या है शो का? सबसे पहली बात एक मोटो से, हाँ जी, एक मोटो मेरा ऐसा है कि मैं शो को जीतूंगा और दूसरा मोटो मेरा ऐसा है कि कंडीशन कुछ भी हो मैं पहले, सबसे पहली बात तो मुझे कैप्टन पे भरोसा है, कैप्टन मुझे ऐसी कोई कंडीशन में डालेगा ही नहीं, और अगर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर मुझे कुछ चूज करना पड़ता है देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर दी शो। आप शो के लिए जाना चाहेंगे?
मीन्स ही इज हियर टू विन, और ये एक मोटिव दिखता है हमको सबके अंदर कि हमारा सक्सेस क्या है. ही हैज फुल फेथ इन हिज कैप्टन. लेकिन जैसे कि मैंने गौरांग को भी कहा था कि आपको हमेशा आपका परसेप्शन चेंज करते रहना चाहिए विद टिप्स एंड ट्रिक्स. अब आपका परसेप्शन पहले से ऐसा होता है कि मुझे लाइफ में ऐसा ही जाना है, पर जब आपके आप कुछ ठोकरे खाते हैं तब अपना चेंज करते हो गेम प्लान. सो दिस इज द वे यू शुड बी अडैप्टिव इन नेचर. तो इसी बात के साथ सिद्धार्थ, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द शो एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट जर्नी. सो गाइस, स्कोर इज 3-0. क्यों 3-0? बिकॉज द थिंग इज कि उन्होंने को कैप्टन पे भी ट्रस्ट है, बट स्टिल ही वॉन्ट्स टू विन एज वेल. तो ये एक ऐसा पत्ता है, इट इज जस्ट लाइक के अ पैक ऑफ कार्ड्स जिसके अंदर आप जो कार्ड उठाते हो यू डोंट नो व्हाट इट वुड बी. इफ यू हैव अ कार्ड जो आपको गेम जिता सकता है देन यू हैव वॉन. बट अगर एक ऐसी चीज आती है जिसका आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते देन यू नीड टू रन योर कोर्सेस फॉर कोर्सेस एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई विश कि ये जो हमारा बैच था हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4 के कंटेस्टेंट्स, ये बाकी 3 सीजन से अलग इसीलिए है. तो हम मिलेंगे इन कंटेस्टेंट से एपिसोड्स में और जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत. आपको कौन सा कंटेस्टेंट का ओपिनियन सही लगा कमेंट करके हमें बताइए, हम ज़रूर बताएंगे आपको कि आपका कमेंट हमें कैसा लगा. स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड. दोनों कैप्टन्स तो आ चुके हमारे, पर अब बारी आएगी इनकी टीम्स को बुलाने का, और मैं चाहूँगा दैट द कैप्टन शुड डू द ऑनर्स. ऑल योर. ओके, ठीक है, मेरी टीम से मैं बुलाना चाहूँगा मेल एंड लेट मी कॉल माय वॉरियर्स सिद्धार्थ एंड शहबाज. हम इस जर्नी की शुरुआत करें यानी हमारा टास्क और एक्टिविटी स्टार्ट करें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे टास्क सेट करते हैं आई शुड कॉल विवेक सर ऑन द स्टेज. हेलो सर. हाय कैप्टन. गुड अक्षर. सो कंटेस्टेंट्स, हाउ इज द जोश? हाय सर. हाय. और भी हाई थोड़ा दिखना चाहिए. हाउ इज द जोश? हाय सर. तो जैसे कि प्रीतेश, हम जानते हैं पिछले सीजन भी हमने शो एयर किया था, तब सभी जगह लॉकडाउन था और सिर्फ हमारा ही शो था जो रेगुलर कंटेंट दे रहा था. और अभी भी ये जो कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें भी हम शो बना रहे हैं, और जो कहते हैं ना डिफ़िकल्टीज को अपॉर्चुनिटीज में जो कन्वर्ट करता है वही असली विनर होता है. तो यही आपके लिए है स्टेज. तो ये स्टेज आपका है, आपको अपनी डिफ़िकल्टीज को कैसे ओवरकम करना है और कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके विनर बनना है वो सभी आप पर डिपेंड करता है. तो ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स और कैप्टन्स को भी वेरी गुड लक. दोनों अक्षर पंचोली और अक्षर बारोट सीजन 2 से हमने इनकी जर्नी देखी है और आज इस मुकाम पर है कि दोनों कैप्टनशिप एक लीडर का जो फ्लैगशिप है वो लेकर साथ में चल रहे हैं. तो आई होप कि आप दोनों अपना बेस्ट दें इस सीजन. और जैसे कि आप सभी देख रहे हो टीम जो है दोनों टीम में सिर्फ दो दो लोग हैं, तो टीम कुछ खाली नहीं लग रही आपको? चलिए इसको पूरी मैं कर देता हूँ. और मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए दो ऐसे चैलेंजर जो पिछले सीजन भी थे और इस सीजन वो अपनी जर्नी कंप्लीट करने आ रहे हैं क्योंकि वो पिछले सीजन विनर का खिताब नहीं हासिल कर पा रहे थे. तो चलिए बुलाते हैं उनसे और मिलते हैं उनसे कि कौन है वो लोग और कौन इस जर्नी को वापस जीने आ रहा है. चल मोड़ दे उसको पुंजारे. सेमीफाइनलिस्ट ऑफ सीजन 3 जो
फिनाले से कुछ एक कदम पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे, बट वो अपनी जर्नी वापस जीने आ रहे हैं और इस बार मेक श्योर करेंगे कि वो फिनाले तक पहुँचे और जीते भी। सो अरकान, कैसा लग रहा है वापस हाउस ऑफ रियलिटी पर आकर? कोशिश बहुत की थी सर उस टाइम पर, अच्छा। पर वो नहीं कर पाए उस टाइम पर, तो डेफिनेटली सर ये सीजन में पूरा पक्का कर दूंगा मैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि अरकान वॉज द बेस्ट टास्क परफॉर्मर ऑफ हिस सीजन, सो ही कुड बी अ टफ कॉम्पिटिटर फॉर यू ऑल, राइट? सो अभी अरकान तो आ गए हैं, चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे चैलेंजर से, जो कि होगी हमारी कंटेस्टेंट नंबर 6। चलिए मिलते हैं उनसे। कंटेस्टेंट जो कि सेकंड चैलेंजर है पिछली सीजन से, जो कि है जानवी जुरानी। शी वॉज दी थर्ड रनर अप मीन्स फाइनलिस्ट ऑफ सीजन 3, और वो फिनाले में पहुंचकर वो खिताब हासिल नहीं कर पाई थी, वो खिताब आज वो हासिल करने वाली है इस सीजन में। सो जानवी, कैसा लग रहा है वापिस आकर? सो यहाँ पर हमारे दो कंटेस्टेंट जो है वो आ चुके हैं, जो कि है अरकान और जानवी। देखना ये है कि ये सीजन भी वो पिछली सीजन की तरह खेल पाएंगे या नहीं, और ये जो हमारे नए कंटेस्टेंट है वो इनको कितने टक्कर दे पाएंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोनों किसकी टीम को ज्वाइन करेंगे, तो ये इतनी जल्दी हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपको पता चलेगा एक एक्टिविटी के बाद। तो सी यू गाइस आफ्टर द फर्स्ट एक्टिविटी एट फर्स्ट टास्क लोकेशन। रियलिटी सीजन 4 हो चुका है शुरू, और मैं लाया हूं आपके लिए इस सीजन की पहली एक्टिविटी। मिस कर रहे थे ना सीजन 3 में एक्टिविटीज को, और मैंने आपकी बात सुन ली, लेके आया हूं मैं एक्टिविटी। पर एक्टिविटी स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अपने दोनों हाथ ऊपर करें। अच्छा, तो इनके हाथ में फूल और पत्थर, बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है। फूल और कांटे सुना है, फूल और चांटे, अरे फूल और पत्थर। तो रूल्स बहुत सिंपल है, आप किसी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे तो आप उन्हें दे सकते हैं फूल, और जो आपके जीत के रास्ते में बन सकता है करोड़ा उसको आप दे सकते हैं पत्थर और निकाल सकते हैं। रूल्स बहुत सिंपल है, एक एक करके सबको मौका मिलेगा, उन्हें एक फूल देना है और एक पत्थर देना है। तो शुरू से ही पता चल जाएगा कौन है आपका कॉम्पिटिशन और कौन बन सकता है आपका दोस्त। तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। हमारे दो प्लेयर्स जो किसी भी टीम में नहीं है, हम उनसे ही शुरू करेंगे। एंड एज वन जेंटलमैन वंस सेड, लेडीज फर्स्ट, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय लेफ्ट, जानवी। सो पहले हम जानना चाहेंगे कि आप ये फूल किसे देंगे? ओके मैन, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस शो एज अ contestant. Thank you so much. Impress करने की अच्छी कोशिश की, लेकिन I'm already committed. सब कुछ कम। किसको देना चाहेंगे आप फूल इन contestant? किसी को भी दे सकते हैं। टिकट तो फिनाले नहीं है, तो इतना मत सोचिए। एक फूल देना जिसको आप चाहते हैं, जिससे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। जाइए। ओके, गुलाब दिया है, अभी लाल कर। तो ये तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते ही हैं, जैसे कि जानवी अरकान भाई कहते हैं, तो ऑलरेडी है। अगर मैं पूछूं आपको कि इनके अलावा किसी को देना हो, एक नाम जिसको भी जानना है, जल्दी क्विक रैपिड फायर। शहबाज, यू आर इन डिमांड। ओके, मूविंग अहेड, आप ये पत्थर किसी को, किसे आपके रास्ते से निकालना चाहेंगे? आपकी जर्नी को खत्म करने में कोई अगर एक जन जो आपको जीतने नहीं देगा, तो आप किसको अपने रास्ते का पत्थर मान किसको? ओ, तो प्लीज डू दी ऑनर्स। मैंने पहली बार देखा कि किसी को मतलब रास्ते का पत्थर कहने पे भी स्माइल आ सकती है। सिद्धार्थ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
बस सही बात है ना, जितने ज्यादा पत्थर इकट्ठा होंगे तो बहुत अच्छा है, उससे सीढ़ी बनाने का मतलब। वाह, तो आगे बढ़ते हुए हमारे राइट द मैन इन रेड अरकान, आप फूल किसे देना चाहेंगे? वाह, इसको बोलता है डबोई का प्यार, दोस्त दोस्त भाई भाई, ये तो बहुत प्रेडिक्टेबल था ऑब्वियसली। अगर शहबाज और जानली के अलावा, जानली को तो आप देना नहीं चाहोगे मुझे पता है, शहबाज के बाद अगर मैं पूछूं कि आप शहबाज के अलावा किसे दोस्ती का फूल ले सकता, किसको दोगे? किसे? सीनियर मारो। ओके, यू हैव अ गुड इंप्रेशन। और अरकान, आप पिछले सीजन में बेस्ट परफॉर्मर भी थे राइट, तो इस बार आपकी जीत के रास्ते में कौन बन सकता है, किसे देना चाहेंगे आपको? किसे आप देना चाहेंगे? नील। ओके, प्लीज डू द ऑनर। तो नील के खाते में आ चुका है एक पत्थर। नील, एक्सपेक्ट किया था आपने? जी नहीं, मैं मेरे इंटरव्यू में बोला था कि मैं कब पहन रहा हूँ, तो इसके जैसा जल्दी जीना चाहता हूँ। वाओ, हाँ तो वही। ओके, तो जैसे कि मैंने उनको पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हाउस ऑफ रियलिटी में आप एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, द अनएक्सपेक्टेड। आप देख सकते हैं हमारे दोनों प्लेयर जो किसी भी टीम में नहीं है, उन्होंने अपने फूल और पत्थर दे दिए। मैं चाहूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट सीनियर बार गौरव, आप फूल किसे देना चाहेंगे और किससे आपकी दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे? शहबाज डिमांड है आपकी। और अगर आपको पूछूं कि आपको पत्थर किसे देना है जो आपके जीत के रास्ते में बीच में, कौन सा? गेम खुल चुकी है, मतलब क्या कुछ स्पेसिफिक रीजन है उसके पीछे? हाँ, मैंने देखा, मतलब वो सीजन 3 में वो टफ कॉम्पिटिटिव रहा था, मतलब इजिली गिव अप भी नहीं करता था, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बड़ा चैलेंजेस मतलब ला सकता है। और अरकान, अभी आपको बता दें, जिसने आपको फूल दिया वही कह रही है बहुत अच्छा हो, ये कैसा फूल है? इस दोस्ती को मैं क्या नाम दूंगा? बहुत टाइम है हमारे पास, हम बहुत सारी बातें निकालेंगे, ये तो पहली एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी में इतना गर्मी लगने लगी मुझे। ओके, कमिंग टू नीम पत्थरबाज, आपको पत्थर ऑलरेडी एक मिल चुका है, आपका एक हाथ भारी होगा जिसका पत्थर ज्यादा है, तो मैं वो आपका वजन कम करवाने के लिए पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप किससे दोस्ती करना चाहेंगे और उसे एक फूल देना चाहेंगे? जैसे कि अभी सुबह से देखा जाए तो सबके साथ बातचीत थोड़ी बहुत हुई है, बात नहीं हो तो सिद्धार्थ से भी। वाह, कह सकते हैं कि लाइफ में सबकी जिंदगी का अप्रोच अलग होता है, कि आप जिसे नहीं जानते आप उसे कभी दुश्मन मान लेते हैं, और आप जिसे नहीं जानते आप उन्हें एक दोस्ती का मौका देके फूल आगे कर देते हैं, तो ये भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, आप किसे अपने जीत के बीच में एक पत्थर समझते हैं और उस पत्थर को आप पत्थर देके अपने रस्ते से निकालना है? जिसने मुझे अपना कॉम्पिटिशन माना है, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। वाह, आपका पत्थर आपके पास, ठीक है, तो ये बहुत बार हमने देखा है चीजें कि मुझे कुछ मिलता है तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मैं किसी उसी को ही वो दे दूं जिसने मुझे दिया है, बट आई गेस आपने कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो आप देख सकते हैं टीम अक्षर बारोट के तो प्लेयर्स ने अपने पत्ते खोल दिए, नाउ मूविंग टू द प्लेयर्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है।
तो पत्थरबाज फ्रॉम टीम अक्षय पंचोली, सिद्धार्थ किसके साथ आप दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे, जिससे आप जानना चाहेंगे सफर में? नील के साथ। ओके तुम मुझे पूछ दो, मैं भी तुम्हें पूछा भी किसी को नहीं। तो दोस्ती तो बढ़ी रही है दोनों टीमों में। और बात करें पत्थर जी, तो वो एक नाम बताइए जो मुझे ना पता। मैं पत्थर देना चाहूंगा सीनियर बारे। ओ आउट ऑफ द बॉक्स। सो सीनियर बारूद यानी गौरव, आपको मिल चुका है पत्थर। एक्सपेक्ट किया था आपने सिद्धार्थ से? नहीं सिद्धार्थ से नहीं किया था, पर एक्सपेक्ट किया था कहीं ना कहीं से तो आए। ओके सिद्धार्थ, क्या रीजन था गौरव को पत्थर देने के लिए? फिलहाल तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट स्टिल आई थॉट कि मुझे उसे भी देना चाहिए, तो मैंने उसको दिया। देयर इज नो वैलिड रीजन बिहाइंड इट। ओके हर वो रीजन जो तुम देते हो वैलिड ही होता है, भले वैलिड हो ना हो। मूविंग टू द पर्सन जिसको बहुत ही बहुत कूल मिले, मिस्टर ब्यूटीफुल शहबाज, बोलिए आप किसे फोन देना चाहेंगे? आपको तो बहुत लोगों ने फोन दिए। ऐसे अरकान को देना चाहेंगे, वैसे किसको देना चाहेंगे? वैसे भी अरकान ओके, वी हैव वुमेन्स इन आवर शो, वो तो कांस्टेंट रहता है हमारे शो में। फिर अब आते हैं मेन पार्ट, जिनको सब आपके दोस्त बनना चाहते हैं। तो जनता ये जानना चाहती है कि किसे आप अपने रास्ते का रोड़ा समझ के पत्थर देके उसे फंस। ऑडियंस वांट्स टू नो। सर मैं दोस्त का दुश्मन दुश्मन नहीं है, बड़ा पत्थर बड़े आदमी के हाथ में। तो जिस हिसाब से आपने देखा इस एक्टिविटी में कि धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं, पर एक चीज जो मुझे बहुत रेयर लगी, किसी भी टीम के कंटेस्टेंट ने एक दूसरे को वो फूल नहीं दिया। हो सकता है कि वो अपनी टीम में तो शायद दोस्ती ऑलरेडी बनी जाएगी, उन्होंने दूसरी टीम का सोचा। और बात करें पत्थरों की, तो आपके पास कितने पत्थर हैं? एक। आपके पास दो, आपको मैंने कुछ दिया ही नहीं, पत्थर भी नहीं दिया, फूल भी नहीं दिया। आपके पास दो पत्थर और दो फूल, प्लस माइनस माइनस एक 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 बस दो फूल ब्यूटीफुल। सो ये एंड हमारे पहली एक्टिविटी की, इसके बाद क्या होगा एडवांटेज, बिकॉज एक्टिविटी है उसको फायदा होगा ना, वो फायदा तो तभी पता चलेगा जब ये कंटेस्टेंट भिड़ेंगे आमने सामने हेड ऑन टास्क में। हेड ऑन टास्क में टीम अक्षर वर्सेस टीम अक्षर, पंचोली वर्सेस बारो, उसमें हम देखेंगे क्या होता है आगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।